इस देश का तानाशाह किंग जोंग उन इतना ज़्यादा संकीय कि इसने अपने खुर्ची के लिए खतरा बन रहे अपने भाई तक का कत्ल कर दिया था और सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए अपने चाचा को ही फांसी पर चढ़ा दिया था। तो आज आपको बताएंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे अजीबोगरीब फैक्ट्स जिसे जानकर आप काफ़ी हैरान रह जाएंगे। नंबर वन, हम हमारे देश में मनचाहे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर महिला या पुरुष दोनों को ही जीन्स पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर पूरी तरह से मनाही है। नंबर टू, नॉर्थ कोरिया का ये फैक्ट जानकर आप काफ़ी ज़्यादा शॉक होने वाले हो। नॉर्थ कोरिया का कोई भी नागरिक अगर किसी भी जुर्म में दोषी पाया जाता है तो उसे उसकी सज़ा तो मिलती ही है, लेकिन उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी ये सज़ा काटनी पड़ती है। नंबर थ्री, आज के वक्त में इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसी इंटरनेट की वजह से दुनिया भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दें, उत्तर कोरिया में लोगों को इंटरनेट चलाने की भी आज़ादी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ जो इस देश के सरकारी कर्मचारी है और जो किम जोंग उन के खासी करीबी है वही वहाँ पर इंटरनेट चला सकते हैं। नंबर फोर, नॉर्थ कोरिया में अगर आप अपने हिसाब से हेयर कट करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है। वहाँ पर 28 हेयर कट की लिस्ट होती है, उसी में से चुनकर आपको हेयर कट करना पड़ता है। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी अलग नियम बना हुआ है, जैसे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई उन्हें अपने बाल शॉर्ट साइज में ही रखने पड़ते हैं, और जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है उनके लिए कई ऑप्शन मौजूद होते हैं। नंबर फाइव, आज के ज़माने में शायद ही रेडियो किसी के घर में देखने को मिल जाएगा, मगर नॉर्थ कोरिया में हर घर में वहाँ की सरकार द्वारा नियंत्रित रेडियो लगा होता है, जिस पर नॉर्थ कोरिया में घट रही हर चीज़ की खबर दी जाती है। इस रेडियो को बंद करने की भी अनुमति नहीं होती। नंबर सिक्स, नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में देश के सुप्रीम लीडर के पद के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन आप लोग कहेंगे क्रूर शासक किंग जोंग उन के रहते आखिर ये पॉसिबल कैसे है? तो उस सुप्रीम लीडर के पद के लिए सिर्फ एक उम्मीदवार खड़ा रहता है, जो कि किंग जोंग उन। लोगों को न चाहते हुए भी किंग जोंग को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बनाना पड़ता है। नंबर सेवन, आज पूरी दुनिया 21 सेंचुरी में चल रही है और पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, मगर नॉर्थ कोरिया ये अपना खुद का कैलेंडर जूस कैलेंडर को ही फॉलो करती है। इस कैलेंडर के हिसाब से उत्तर कोरिया में 110 जूस एयर चल रहा है। इस कैलेंडर की शुरुआत किम संग के जन्म से हुई थी, जो कि किम के दादा थे। नंबर एट, नॉर्थ कोरिया में भिखारियों की और गरीब लोगों की तस्वीरें खींचने पर सख्त मनाही है। अगर कोई ऐसा करते वहाँ पर पकड़ा जाता है तो उसे जेल भी हो सकती है। नंबर नाइन, तानाशाह किंग जोंग उन अपने देश की सेना को मजबूत और बड़ा बनाने के लिए वहाँ के नौजवानों को ज़बरदस्ती अपने सेना में भर्ती करवाता है, और किम के आगे वहाँ के युवाओं को भी सेना में भर्ती में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। इसके कारण आज वहाँ पर काफ़ी सैनिक ऐसे हैं कि जो न चाहते हुए भी नॉर्थ कोरियन आर्मी में नौकरी कर रहे हैं। नंबर टेन, हम हमारे टीवी पर जो चाहे वो मनचाहे चैनल लगा कर देख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल ही वहाँ पर टेलीकास्ट होते हैं, और उन चैनल पर भी पूरी तरह से नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मतलब जो सरकार आपको दिखाना चाहेगी वो ही आप टीवी पर देख सकते हो। नंबर टेन, अगर आप किसी देश में घूमने जाते हो तब आप वहाँ पर अच्छी जगह की खूबसूरत तस्वीरें मोबाइल में कैप्चर कर लेते होंगे, मगर आप नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट बनकर घूमने जाते हो तो आप वहाँ पर मोबाइल लेकर नहीं जा सकते। आपका मोबाइल फ़ोन एयरपोर्ट पर ही जब्त कर लिया जाता है, और आप जब नॉर्थ कोरिया से वापस जाएंगे तभी आपको आपका मोबाइल फ़ोन वापस दिया जाएगा। नंबर 12, और आपको बता दें टूरिस्ट प्लेसेस पर वहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करने की भी अनुमति नहीं होती। वहाँ पर घूमते वक्त आपके साथ हर वक्त गाइड सुपरविजन में रहता है। नंबर 13, नॉर्थ कोरिया के लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं।
आज हम किसी भी देश, गांव, शहर में घड़ी घटना को न्यूज़पेपर, मोबाइल, टीवी के माध्यम से जान सकते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया में अपने देश के बाहर घड़ी घटना को कवर ही नहीं किया जाता। वहाँ पर न्यूज़पेपर, मैगजीन, न्यूज चैनल्स नॉर्थ कोरिया में घट रही घटना को ही कवर करते हैं। नंबर 14, नॉर्थ कोरिया में कुछ अपराधों के लिए माफी जैसा शब्द ही नहीं है। जैसे कि किसी के पास बाइबल पाई गई या कोई पोर्न देखते पकड़ा गया और वहाँ पर साउथ कोरियन मूवी देखना भी मना है। इन चीज़ों में कोई पकड़ा गया तो वहाँ पर इसका अंजाम सिर्फ मौत है। नंबर 15, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रात के समय में भी काफ़ी शानदार माहौल बना रहता है, और अगर रात के समय में किसी कारण लाइट ना हो तो मूड ही खराब हो जाता है। नॉर्थ कोरिया में हर रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम में पूरे देश की इलेक्ट्रिसिटी बंद की जाती है और पूरा नॉर्थ कोरिया रात के समय में अंधेरे में रहता है। नंबर 16, हमारे इंडिया में बहुत से अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन आपको पता दें नॉर्थ कोरिया में कोई भी धर्म का पालन करने में फ्रीडम नहीं होती। नंबर 17, आप लोग अपना मूड खराब होने पर मूड को ठीक करने के लिए कोई भी अच्छा संगीत सुनते होंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया में अपना पसंदीदा संगीत भी हम नहीं सुन सकते। यहाँ पर 2015 में किंग जोंग उन ने वहाँ पर मौजूद सभी कैसेट टेप सीडियों को स्क्रैप कर दिया था।